हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनएक्शन बाबू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे पाटाशी लंबारी रोड, पाटाशी लंबारी पुलिस स्टेशन के सामने से दोस्तों एक शॉर्टकट रोड जाता है, इधर से जाके दोस्तों हम लोग निकलेंगे पाटाशी चारियाले। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में हमारे साथ, हम लेके चलते हैं आप लोगों को पाटाशी चारियाले। ये है दोस्तों पाटाशी लंबारी रोड, लेफ्ट साइड में है दोस्तों पाटाशी लंबारी पुल रूट, और इधर हम लोग राइट साइड में टर्न लेते हैं दोस्तों। इस रूट का नाम है मिलन पथ, और मिलन पथ से दोस्तों हम लोग जाएंगे और जाकर ज्वाइन हो गए एमबी रूट। एमबी रूट से जाएंगे वही दोस्तों एके देव रूट, फिर से जाएंगे आप लोग एनएस रूट या पाटाशी चारियाले तक का आप लोगों का नज़ारा दिखाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, और ये रूट दोस्तों बर्लो रिवर के साइड साइड से गया है। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ बर्लो रिवर के साइड साइड से चलते हैं। और ये बर्लो रिवर दोस्तों इसमें क्लीनिंग का काम बहुत ही बाकी है, और काफ़ी लगता है कुछ दिन लगेगा, लेकिन ये बर्लो रिवर भी पहले जैसा था शायद ऐसा होने वाला है फिर से। और इस गली में दोस्तों बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आगे की ओर चलते चलते दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को, और यह आसपास का नज़ारा भी। और ये रहा हमारे राइट साइड में NXT, बहुत ही खूबसूरत कलर दिया है उसका, अच्छा लगता है। और यहाँ का नज़ारा भी कैप्चर करके रख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन बाद ये नज़ारा हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और हमें तो याद रहेगा, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं शायद इन लोगों को अफसोस हो, और अफसोस नहीं होने दूँगा दोस्तों। हर जगह का नज़ारा कैप्चर करके रखूँगा। मेरे लेफ्ट साइड में है दोस्तों बर्लो रिवर, अभी इतना क्लीन नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आगे ज़रूर होगा। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा, और कुछ देर पहले बारिश होके गया था इसीलिए नज़ारा कुछ अच्छा ही लग रहा है अभी। और यहाँ लेफ्ट साइड में टर्न लेते हैं दोस्तों, हम लोग एमबी रूट में ज्वाइन हो गया, और इधर से सीधा जाने के बाद दोस्तों हम लोग फिर से और एमबी रूट से जाके हम लोग एके देव रूट ज्वाइन होंगे, और इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा पाटाशी चारियाले का नज़ारा। वाह, और यहाँ पे दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में बहुत सारा गली गया है, जो हर गली का जानकारी मेरे पास नहीं है दोस्तों, तो आप लोग इस रूट में आने से खुद ही पता भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी गली का जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट में बोल सकते हैं। देखा दोस्तों मंदिर के जो बात किया था, चलिए आगे जाके और भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आसपास में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो हमारे GMC वाले से उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा इस जगह को क्लीन करा दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बीमार भी होने का चांस है, तो क्लीन रहने से अच्छा ही लगेगा दोस्तों। वाह, ये देखिए हमारे राइट साइड में और एक मंदिर, और ये लेफ्ट साइड में जो रूट गया है दोस्तों ये एके देव रूट, या सामने में एक स्कूल ना कॉलेज है शायद, इस रूट पर आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ आसपास का ये नज़ारा कैप्चर कर लीजिए अपनी आँखों में, ताकि आज के 10 साल बाद भी आप लोगों को अगर ये चेंज हो जाए तो याद रह जाए दोस्तों। और यहाँ पे सब्जी वब्जी भी मिल जाता है इस गली के अंदर में दोस्तों, हर चीज़ है जो इंसान को चलने फिरने के लिए चाहिए सब मिल जाता है यहाँ पर। घर भी बनाना है तो ईंट वाले सीमेंट पत्थर सब मिलेगा दोस्तों, किसी चीज़ का कमी नहीं है। वाह, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ दिन बाद यहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा हो, और फिर से एक वीडियो बनाने के लिए मैं आऊँ दोस्तों। ये रहा मेरे लेफ्ट साइड में और एक मंदिर दोस्तों, कृष्ण मंदिर है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, मेरे को भी खुशी होती है दोस्तों मेरे को भी वीडियो शेयर करके आप लोगों के साथ, अगर आप लोग देखते हैं या कमेंट करते हैं या आप लोगों को खुश कर पाता हूँ दोस्तों, तो मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ। ये देखिए ये पाटाशी, ये राजहुरा है, और मेरा राइट साइड में एक फ्लैट का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों हम लोग एके देव रूट पहुँचने वाले हैं, और इधर लेफ्ट साइड में जाने से आप लोग सीधा चले जाएंगे गुड़चुप और बरसापारा स्टेडियम भी जा सकते हैं, और राइट साइड में टर्न लेने के बाद दोस्तों सीधा चलिए आगे जाने के बाद बताता हूँ आप लोगों को। अब ये गली का मुंह का नज़ारा, वाओ सो ब्यूटीफुल,
यहाँ फूल का भी दुकान देखने को मिल रहा है। तो आइए आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को पाटा सिलचार वैली का। और इधर से सीधा जाने से दोस्तों सीधा आप लोग चले जाएंगे कुमारपारा पाचाली, और लेफ्ट साइड में चले जाएंगे दोस्तों शांतिपुर की ओर, और राइट साइड में ट्रान लेने के बाद दोस्तों आप लोग चले जाएंगे आर्यनगर फ्लाईओवर, आठगांव, छतरीबरी, चाबी पुल, बहुत सारे जगह जा सकते हैं दोस्तों। और ये बोरलो रिवर के ऊपर से एक ब्रिज है जिसे अभी हम पार कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों इस पॉइंट का। ये देखिए सीधा चले जाएंगे आप लोग कुमारपारा पाचाली। कभी दोस्तों इस पाचाली का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और सीधा चले जाएंगे दोस्तों आर्यनगर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। तो वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि रास्ते की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा सके।